Good morning, students. Welcome to Veera Padhi online classes. I'm your math teacher, Neha ma'am. How are you all? I hope you are all very well and happy and safe in your homes. Dear children, today we will solve the exercise of 3.3 in chapter 3. बच्चों हमने आपको चैप्टर 3 के दो एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया था जिसमें हमको अब आपको 3.3 सॉल्व करना है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको सब्सट्रैक्शन करना है यानी कि माइनस करना है. कोई संख्या दी होगी उसमें से कोई सी उससे कम डिजिट वाली संख्या को आपको सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना होगा. चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन दिए होंगे. सब्सट्रैक्ट नंबर इसने इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे और आपके पास यहाँ ऐसे बॉक्स में कुछ संख्या डिजिट लिखी होगी उसे आपको सब्सट्रैक्ट करना. कैसे आप जानेंगे कि सब्सट्रैक्ट है? सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे हेडिंग ही पड़ी है कि सब्सट्रैक्ट का नंबर. फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का. अब देखिए यहाँ पे थ्री प्लेस में थ्री डिजिट की संख्या आप लोग सीख रहे हैं तो थ्री डिजिट का ही सब्सट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा. हंड्रेड के प्लेस, टेंस के प्लेस और वंस के प्लेस में. अब जैसे ये संख्या लिखा है 672 में से 365 को माइनस करना है. क्या माइनस करना है? 672 में से 365 को माइनस करना है. सबसे पहले देखिए राइट साइड पे आप स्टार्ट करते हैं. सबको पता है कि कहां से हम सब्सट्रैक्शन का स्टार्टिंग करते हैं. तो सब यहां लिखा है 2, 2 में से 5 माइनस होगा. आप सबको पता है कि 2 एक छोटी संख्या हो गई 5 से. 5 से छोटी है 2, लेकिन 2 में से 5 माइनस नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, इसके टेंस वाले प्लेस से एक बोरो उधर ले लेंगे. मतलब यहाँ से एक संख्या हम इसको दे देंगे, उसको बोलते हैं बोरो लेना यानी उधार लेना. अब 7 में से हम इसको 1 डिजिट दे देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 12. ये क्या हो जाएगा हमारा 2 क्या हो जाएगा 12. और 7 ने इसको ये 1 दे दिया है तो अब 7 क्या हो जाएगा हमारा 6. ठीक, 7 हमारा 6 हो जाएगा और 2 अब हमारा 12 हो जाएगा. यानी अब हम इस संख्या को इन दोनों संख्याओं से सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे. 12 में से 5 माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आता है 7. ठीक, अब यहाँ बचा 6, 6 में से 6 माइनस करिए तो कितना आएगा 0. 6 में से 6 अगर माइनस करते हैं तो हमारा आता है 0. अब देखिए यहाँ बचा 6 में से 3, 6 में से 3 तो माइनस हो जाएगा ना, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3. यानी 307 हमारा आंसर क्या आया, 307. एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं. यहाँ पे हमारा लिखा था 672 में से 365 माइनस करना है. हम देख रहे हैं कि 2 में से 5 माइनस होता नहीं, 2 छोटा है. अब 2 टाइम्स अपने बगल वाले से एक उधार ले लेगा. ठीक, यानी 1 ये इसको अपने आप बोरो दे देगा. अब ये 1 बोरो यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2 जो हो जाता है हमारा 12 हो जाएगा. 12 में से अब इस 2 को नहीं देखेंगे, अब इस 12 को देखेंगे. 12 में से 5 माइनस किया 7, यहाँ पर 7 में से 1 चला गया था तो हमारा बचा 6. तो 6 में से 6 किया 0 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 307. समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा 744 में से 328 को सब्सट्रैक्ट करना है. तो अब यहाँ पे देखिए 4 में से 8 माइनस होगा, नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक और उधार इसको दे देंगे, बोरो दे देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 14, यानी अब ये 14 हो गया और यहां से एक चला गया तो ये बचा 3. ठीक, 14 में से 8 गया कितने बचेगा, कितना बचेगा 14 में से 8 गया 6, कितना आया 6. अब यहां बचा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1. 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और यहां है 7 में से 3 तो ये आएगा 4, यानी 416 आएगा. इसी तरह देखिए, फिर से देख लीजिए, 744 में से 328 हमको सब्सट्रैक्ट करना था. 4 जो है हमारा छोटा है 8 से, तो ये 4 इसको अपना एक उधार देगा, बोरो देगा. ये 4 अब 14 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6. 6 यहां लिखेंगे, फिर ये 4 जो है हमारा 3 हो गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1. अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4. ओके, ठीक. इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं. 783 में से 78 को माइनस करना है. 783 में से 78 को माइनस करना है तो 3 में से 8 तो माइनस होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक उधार इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13. अब ये 13 हो गया और ये 1 इसमें
देखिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, 666 में से, 666 में से हमें माइनस करना है 228 हमें माइनस करना है। चलिए माइनस करिए, 6 में से अगर 8 माइनस होगा, 6 में से 8 कभी माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 6 से 1 1 इसको बॉर्डर पर पा लेंगे, तो ये उसको उधार नहीं देगा 1, तो ये हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा हमारा 16, अब ये 6 हमारा 16 हो जाएगा, और ये इसने 1 दे दिया, तो अब ये हो जाएगा हमारा 5। 16 में से 8 माइनस करने कितना होगा, 16 में से 8 माइनस करने पे हमारा आता है 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, 5 में से 2 माइनस करिए 3, और ये 6 में से 2 माइनस करने पे हमारा आएगा 4, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन हम यहां पे ले लेते हैं, 640 में से, 640 में से हम माइनस करके 329। चलिए माइनस करिए, यहां आप देख रहे हैं जीरो लिखा है, जीरो में से 9 को माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कैरी को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10, अब ये जीरो 10 हो जाएगा, इसने एक दे दिया अपना, तो ये हो जाएगा 3, 10 में से 9 माइनस करिए तो कितना आएगा, 10 में से 9 माइनस करने पे 1 आएगा, और यहाँ 3 है, 3 में से 2 माइनस करने पे आएगा हमारा 1, 6 में से 3 माइनस करिए कितना आएगा 3, तब हमारा आंसर आ जाएगा 311, यानी कि 640 में से अगर 329 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 311, ठीक। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे क्या था, 640 था और 329 था, 10 में से 0 में से 9 में माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे 10 के प्लेस से एक बॉरो लेंगे, यानी एक उससे बगल वाले से उधार ले लेंगे, तो अब ये 0 जो है 10 हो जाएगा, ठीक। अब हम इस 10 को कंसीडर करेंगे, इस 0 को अब हम भूल जाएंगे, 10 को कंसीडर करेंगे, तो 10 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1, अब ये 4 जो है इसने एक अपना एक अपना एक उधार दे दिया था, बगल बॉरो दे दिया था, अब क्या करेंगे हम, 3, ये 4 क्या हो जाएगा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें कुछ भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा है 462, 462 में से हमें माइनस करना है 234। अब हमें ये माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, देखिए यहां पे 2 है, 2 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो हमने अभी तक आपको क्या बताया था, अगर कोई छोटी संख्या है तो अपनी बगल वाली संख्या से एक उधार ले लेगी, तो ये यहां पे हो जाएगा 2, अब हो जाएगा 12, 2 अब हमारा हो जाएगा 12, और ये इसने एक दे दिया हमारा, तो अब ये हो जाएगा हमारा 5, तो यानी अब हम इस इन दो संख्याओं को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको देखेंगे 12 में से 2 माइनस करिए, 12 में से 4 माइनस कीजिए तो आएगा आपका 8, ठीक। अब यहां बचा 5, 5 में से 3 माइनस करिए तो कितना आएगा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 228 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुल इसमें आपको 12 क्वेश्चन है, हमने आपको 6 क्वेश्चन करके दिखा दिए, एक दो और क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं, इससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए एक डिजिट है 874 में से हमें माइनस करना है 456, 456 माइनस करिए, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बगल वाले से एक उधार दिखा देंगे, ठीक। अब ये 4 हमारा हो जाएगा 14, यानी अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये 7 इसने एक अपना इसको दे दिया, तो ये बचा अब
करेंगे, हम 7 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब 14 में से 6 माइनस करो, 14 में से 6 माइनस करो तो कितना आएगा 8, ठीक। 6 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 1, ठीक। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 418 इसका आंसर आएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है 887 में से हमें माइनस करना है 578। अब इसको माइनस करना है तो देखो 7 में से 8 तो माइनस होगा, तो फिर वही लिया यहां से इसको उधार दिला दिया, 7 जो है अब क्या हो जाएगा 70। तो अब इस 7 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये 8 इससे अपना 1 दे दिया तो अब ये हो गया हमारा 7, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 17 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा आपका 9, कितना आएगा 9। अब 7 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। ये देख के आप घबरा जाते होंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे माइनस करें, तो उसका नियम है कि बगल वाले से उधार ले लीजिए यानी बोरो करवा लीजिए। तो आप यहाँ पे ये 7 और उसके आगे 1 लगा दीजिए, 17 हो गया, 17 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। इसमें क्योंकि ये इसने अपना 1 इसको दे दिया था तो अब ये हो जाएगा 7, यानी इसमें 1 कम हो जाएगा, तो ये हो गया 7। 7 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। अब आपको इस संख्या को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब जो नई संख्या आपकी बनी है उससे सब्स्ट्रैक्शन करना है। अब ये बचा 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 में से 5 माइनस करने पे हमारा आता है 3, ठीक। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ 12 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन आपको बता दिए, कुछ अपनी कॉपी में ट्राई करिएगा और बुक में फिल कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।